गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरु अर्जुन चौधरी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल का लाया हूं, जो कि विगत वर्षों में पूछे गए हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th में। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें फ्रेंड्स, जिससे कि इस प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप जो है उसे सेकंडों में सॉल्व कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, यह जो है ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और बहुत ईजी हैं क्वेश्चन। आप अगर इसे देखते हैं तो आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्या दिया है। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स, इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो ये जो है बहुत ईजी होते क्वेश्चन, तो आप आसानी से इसका सॉल्व कर सकते हैं। जिन बच्चों को नहीं आता तो बच्चे इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, जिससे कि उनको समझ में आ जाए। तो देखें, एक सेकंड में अगर आपको आता है तो सेकंडों में ही बता सकते हो आप कितना आंसर आएगा। तो ये देखो, जब कभी त्रिज्या किससे डिनोट करते हैं फ्रेंड्स, आर से। क्या दिया है? आर इक्वल टू, यानी कि त्रिज्या को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। वक्रता त्रिज्या को कितना दिया है? 32 सेंटीमीटर दिया है। 32 सेंटीमीटर पूछा क्या है, क्या निकालना है फ्रेंड्स? फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी किससे डिनोट करते हैं? एफ से। तो हमको एफ निकालना है, तो बहुत ईजी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे याद रखना, जब कभी केवल रेडियस दिया रहेगा, त्रिज्या दिया रहेगा, यानी कि वक्रता त्रिज्या दिया रहे और फोकस दूरी निकालना हो, तो केवल आराम से आप लिख दो एफ इक्वल टू आर अपान टू। तो बस इसमें रख लो R के स्थान पे, R का वैल्यू रख लो। R का वैल्यू कितना? 32 है। यहाँ 32 रख लिए और 2, अब इसका इसमें डिवाइड कर दो, 2 1 2 2 6 2 6 12। तो कितना आ जाएगा? F इक्वल टू कितना आ गया फ्रेंड? 16 सेंटीमीटर। यानी कि F का वैल्यू कितना आ गया? 16 सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, लेकिन अगर जो है, अगर फोकस दूरी पूछा है, सपोज अगर आपको जो है F का वैल्यू दिया है, F का वैल्यू मान लेते हैं 16 दिया है और आपसे पूछ रहा है R पूछ रहा है, तो इसका क्या करोगे? उल्टा कर दोगे। R इक्वल टू, देखो अगर हम इसी का फार्मूला लिखते हैं, F इक्वल टू R अपान टू लिखते हैं ना, तो अब आपको क्या दिया है? फोकस दूरी दिया है। तो फोकस दूरी यानी कि यहाँ पे 16 लिख लेंगे और इक्वल टू R अपान टू, तो यानी कि इसको जब हम इसके नीचे कुछ नहीं 1 मान लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके इसमें कर लेंगे, तो यानी कि 16 2 32, तो यानी कि R इक्वल टू कितना आ जाएगा? 32। तो इसका जो है 32 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर फोकस दूरी दिया है और त्रिज्या पूछता है, वक्रता त्रिज्या पूछता है, तो मल्टीप्लाई कर देना फोकस दूरी में 2 का, तो उसका जो है वो आ जाएगा आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो अगला देखते हैं, इसका भी इसी प्रकार हमको करना है। इसमें दिया है एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब आपका हो गया 10। सेकंडों में आ गया कि नहीं? बहुत ईजी है फ्रेंड्स, अगर आप देखोगे आराम से आ गया। तो आप इसको देखते ही आप जो क्या कर दिया, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितने दिया? 10 दिया है, तो 10 में 2 का भाग दे दिया, कितना आ गया? 10। 20 भी दिया, 20 में 2 का भाग दिया, 10 आ गया, आंसर आ गया कि नहीं? तो इस तरह जो है आसान है, बहुत आसान है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हल, उसके बाद आर इक्वल टू कितने दिया है? 20 सेंटीमीटर। तो एफ इक्वल टू निकालो, तो यह क्या हो गया? एफ इक्वल टू आर अपान टू, तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 अपान 2 हो जाएगा, 2 10 जा 20, तो एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। यही आंसर हो गया फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, ये आंसर आपका आ गया। तो आपको वीडियो ये कैसा लगा फ्रेंड्स? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।